राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के इस शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, सरकार में उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, आपके नव निर्वाचित अध्यक्ष भाई महावीर खराड़ी जी, संयुक्त शासन संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग कनिष्ठ कटारिया जी, निवर्तमान अध्यक्ष गौरव बजाज जी, मेरे सामने बैठे हमारे जैन साहब अरोड़ा जी और सभी जिनका आईएएस में प्रमोशन हुआ है, ऐसे सभी अधिकारीगण और सभी राजस्थान के उपखंड से लेकर के अनेक जिलों में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे मेरे सभी आरएस अधिकारीगण भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं नई कार्यकारिणी बनी है और नया काम होता है तो नई ऊर्जा के साथ होता है, ऐसी में ऊर्जावान कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करते हैं और काम करते हुए आपके जो अनुभव का लाभ राजस्थान की सरकार को मिलता है और वो आपके फील्ड में रहने से उसका जो अनुभव होता है उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिले, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम अपने अनुभवों का साझा करने का, नए विचारों को आदान प्रदान करने का, प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का काम आपकी इस प्रशासनिक सेवा परिषद में होता है। इस कार्यालय में मैं कई बार आया हूं और जब भी मैं आया हूं मेरे को अध्यक्ष मिले, सबसे पहले पवन जी ही मेरे को यहां लेकर के आए थे, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये भवन बना करके एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आपने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारीगण पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं।